गुड इवनिंग सब लोगों को सभी लोग हैंड कर दीजिए जिन्होंने भी ट्रेड एग्जीक्यूट किया था लास्ट वीक सब लोग हैंड रेस कर दीजिए नाम नोट कर लेते हैं अदरवाइज जब मीटिंग एंड होती uh, uh, है तो फिर दोबारा से हैंड राइस करवाना पड़ता है नितेश माइक कमोट कीजिए सर क्या रहा लास्ट वीक का सर प्रीवियस वीक मैंने लिए थे फॉरेक्स एंड कमोडिटीज में उसमें से मेरा एक ट्रेड में स्टॉप लॉस गया वेरी गुड

जीरो फाइव फाइव जीरो okay. इसमें मेरा सेल ट्रेड था इसमें जो एट फिफ्टीन पे जो ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट आया था सर हुँ. उसको रेड कैंडल ने उसके लो को रेड कैंडल ने ब्रेक किया था तो मैंने उस पर ट्रेड लिया था 815 में ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम ब्रेकआउट आया था 815 815 थर्ड में 815 फिफ्टीन फोर आर का चार्ट है सर 15 मिनट पे आ, मिलेगा मॉर्निंग का okay. आ, हाँ, ये ये, ये इसका वॉल्यूम ब्रेकआउट हाँ, हाँ। तो मैंने इसका लो मार्क कर दिया था था क्योंकि प्राइस इसके नीचे चल रहा था, तो तो वो लाइन रेजिस्टेंस किया तो उसमें वॉल्यूम ब्रेकआउट आया ग्रीन का और फिर ये जो एक फिर मेरी जो एंट्री थी वो दस बजे की कैंट समझ समझ गए बिल्कुल नेचुरल है बहुत सही ट्रेड है अच्छा एक्चुअली इसमें टारगेट हिट हुआ लेकिन हाँ, हाँ, हाँ। yes. आप अगर देखोगे ना तो exactly हमारे लाइन पे स्विंग फॉर्म हुआ है ठीक है ठीक और स्विंग का भी ब्रेकआउट हुआ है ग्रीन कैंडल से हुँ, हुँ, हुँ। तो उसमें एक बाई ट्रेड भी बनता है लेकिन ऑलरेडी मुझे एक सेल ट्रेड मिल गया था तो सर हमारे लिए इस ऐसे सिचुएशन में वैलिड ट्रेड कौन सा रहता है अगर देखा जाए जो आपका व्यू रहेगा ना हाँ उस व्यू के अकॉर्डिंग ही हम लोग काम करेंगे हो सकता है सेल साइड का आपका व्यू रहे सेल हाँ। साइड में आप ट्रेड एग्जीक्यूट करो जैसे इसमें हुआ कैसे चला जाए और बाद में लगे कि नहीं तो बाई रहा है अच्छा बट हम लोग बाई नहीं करेंगे ओ, ओ ओके जो व्यू रहेगा उसके अगेंस्ट नहीं जाते अगले दिन काम करेंगे फिर ओके सेम डे के लिए आज के लिए जो मेरा व्यू रहेगा आज हम उसी तरफ उसी दिशा में काम करेंगे उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे बहुत प्यारा ट्रेड है ये मतलब बिल्कुल नेचुरल स्टॉप लॉस है अगर ये स्विंग सुपर की तरफ नहीं आते तो इसमें भी आपको टारगेट ही मिलता यस yes. बहुत बस ये एक ट्रेड था जिसमें स्टॉप लॉस गया था बाकी मेरे सारे ट्रेड मतलब मैं सारे जो ट्रेड्स लेता हूँ ना सर मैं इसी बेसिस पे लेता हूँ वॉल्यूम ब्रेकआउट और, और फिर एक रेड कैंडल ब्रेक करता है या फिर रेड कैंडल का वॉल्यूम ब्रेकआउट ग्रीन कैंडल पे एंट्री ऐसे मैं इसी बेसिस पे ट्रेड लेता हूँ बहुत प्यारा बहुत अच्छा वेरी गुड नीतिश बहुत अच्छा थैंक यू सो जैसे काम कर रहा हूँ नीतीश बिल्कुल वैसे ही करते रहना और ध्यान रखना ज्यादा मतलब जब ट्रेड्स हमारे फेवर में जाते हैं ज्यादातर तो एक हाँ। अंदर से क्या ना कॉन्फिडेंस वो ओवर कॉन्फिडेंस में चेंज होता है और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से रिस्क मैनेजमेंट आपका बिगड़ जाता है और कुछ नहीं बिगड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट बिगड़ेगा ट्रेड्स आप जैसे ले रहे हो बिल्कुल वैसे ही ले लोगे लेकिन आप रिस्क ज्यादा लेने लग जाओगे तो ऐसा मत करना पहले तय कर लो एक चार्ट बनाओ उसमें लिखो कि आपको दो ट्रेड्स करने हैं या पाँच ट्रेड्स करने हैं तो पूरा फ्लो चार्ट बना लो फाइव हंड्रेड ट्रेड्स का फाइव हंड्रेड ट्रेड्स में जो आपका रिस्क रहेगा वो सेम रहेगा फर्क नहीं पड़ता आपने कितनी कैपिटल जमा कर ली लेकिन 500 सौ ट्रेड्स में जो रिस्क रहेगा वो सेम रहेगा हम 500 सौ ट्रेड के बाद में पांच सौ एकवे ट्रेड में अपना रिस्क बढ़ाएंगे

मतलब स्टॉपलेस नहीं लगा दो में टारगेट आया एक में टारगेट नहीं आया एस एल से दोनों तीनों में हाँ बस अपना जो टास्क है वो कंप्लीट हुआ ओके ठीक है सर सर एस... एक चीज का मुझे थोड़ा सा इशू हो रहा है इशू मैंने नहीं बोलेंगे जैसे कि की जो भी स्टॉक्स मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसमें क्या हो रहा है कि मूव्स तो मिल रहे हैं लेकिन जो कंडीशन आपने जो बोला है ना नॉट टू ट्रेड वो कंडीशन ज्यादा हो जा रहा है ऐसा ही ट्रेड्स कम, हो कम होंगे लेकिन फिर जितने भी ट्रेड्स इस फिल्टर के बाद में जितने ट्रेड्स बचेंगे वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में करोगे आप और चांसेस कम रहेंगे कि फिर उसमें आपका स्टॉप लॉस जाए क्योंकि जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते थे आपके ट्रेड को आपके अगेंस्ट मिलाने की वो हम लोग पहले ही फिल्टर कर चुके हैं ये सारे जो भी हमने पॉइंट्स बताए आपको कहीं नहीं मिलेंगे आप सोचो किसी बुक में मिल जाएंगे या कोई और बता देगा नहीं ये सारे हमारे झेले हुए हैं सालों साल प्रैक्टिस करने के बाद में फिर एक एक चीज हमने नहीं अगर ऐसा हम करते तो ऐसे जाने के चांसेस उसको फिल्टर कर दो हटा दो जो भी चीज़ें हमने आपको बताई है ना ये सारी की सारी आपको को करने के लिए है। अमित, की जी सर समझ ना हाँ तो जी सर और कोई ये नहीं है बस वही है कि वो जो मुझे लग रहा है कि जैसे कि कभी क्या हो रहा है कि एंट्री जब मिल रहा है तो मेरा रिस्क ज्यादा हो जा रहा है ओके जब हाँ, जब एंट्री ट्रिगर एंट्री मुझे जब मिल रहा है जिस टाइम पे उस टाइम पे क्या हो रहा है कि जहां से मेरा एंट्री होना चाहिए वहां से मेरा रिस्क बहुत ज्यादा हो जा रहा है तो फिर ट्रेड अवॉइड करना पड़ रहा है या फिर ऐसा हो रहा है कि मूव मूव ज्यादा मिल जा रहा है मूव वन परसेंट से ज्यादा हो जा है टू परसेंट से ज्यादा हो जा है ऐसा हो मुँव जा, जा रहा है।, है ये बेहतर हो जाएंगे अभी जैसे आपको तीन ट्रेड्स मिल रहे हैं हो सकता है लिस्ट में आपके छह आ रहे हो और जिसमें से तीन आप कर ना पा रहे हो जी सर ऐसा होता है लेकिन धीरे धीरे करके जब एक सिस्टम के ऊपर कॉन्टीन्यूसली आप काम करते रहोगे अभी क्या अभी तो कुछ हुआ नहीं किया सिर्फ तीन हफ्ते काम कराया है ये मानकर चलो करीब चार तो महीने तो पाँच महीने बिल्कुल ऐसे ही चलेगा लेकिन जब सिस्टम के ऊपर हाथ फिट हो जाएगा तो जो भी स्टॉक आएगा आप, आप ट्रेड कर दोगे उसको लेकिन शुरुआत में अपॉर्चुनिटी अच्छी मिले कॉन्फिडेंस के साथ में काम कर पाए इस वजह से बहुत सारे ट्रेड्स हमें सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं और कई सारे सेक्रीफाइस हो जाते हैं तो उसका रिग्रेट नहीं होना चाहिए ट्रेड्स वही करो जिसमें कॉन्फिडेंस हो

विकेश साहब जी बताइए क्या था आपका लास्ट वीक की प्रोग्रेस क्या है आ, मतलब तीन ट्रेड्स हैं उनमें से एक में स्टॉप लॉस के हैं टोटल तीन कौन सा है ये स्टॉक वोल्टस में गया था सर स्टॉप लॉस और उसमें मतलब गलती भी आपने बताया था कि रेजिस्टेंस नहीं बना रहा था व्हाट्सएप पर बात हुई थी अपनी समझ में आ गया जी जी सर ठीक है ठीक है मैं याद आ गया ये वो कोई नहीं तो पहले से पता था क्या वीकेंड पर एक बार बाकी दो एक बार देख लेते तो मतलब जिसमें टारगेट मिला था लास्ट वीक से काफी अच्छी प्रोग्रेस है से लास्ट वीक में आपने सिर्फ दो ही ट्रेड्स जो हुए थे उसमें टारगेट लिया था बाकी पांच में असल गए थे जी है ना लास्ट वीक हमने शायद आपको दो तीन बार कहा भी था प्यारा है मतलब इस वीक के ट्रेड्स की संख्या कम हुई है लेकिन अच्छे ट्रेड्स हुए हैं बिल्कुल ऐसा ही जैसा कर रहे हो ना

अच्छा तो साहब मैं ऐसे पूछ रहा था पहले ना मैंने कैपिटल काफी ज्यादा डाली हुई थी अपने ट्रेडिंग को पचास हजार के करीब जब मैंने शुरू नहीं किया था आपके साथ ट्रेनिंग करना तो जब ट्रेनिंग करना शुरू किया तो मैंने कैपिटल ना काफी कम कर दी सही है मतलब दस हजार ही रखी अभी कैपिटल आइडियल है तो साहब मैंने आपसे पूछना ये था कि जैसे मैंने पांच छे में सर देख रहा हूँ तो मेरे अलग अलग दो मतलब स्टॉक में सेटअप बन रहा हो तो मैं पैरलर ही ट्रेड ले सकता हूँ मैं क्योंकि अगर एक ही ट्रेड लेता हूँ तो वो फिर उसको देखना तो पड़ता ही है मतलब कई जिससे कि अपना कंसंट्रेशन बना रहे तो कोशिश ये करते कि एक समय में एक ही ट्रेड चले जी सब जी सब ये मैंने कंफर्म करना था तो जैसे कि मेरे दो ही ट्रेड बने इस वीक ज्यादा नहीं।, नहीं बन पाए नहीं। तो मेरा ये सवाल था कि मैं साथ साथ में देख नहीं रहा था कि मेरे कई सेटअप बन रहे थे बट मैं ले नहीं पा रहा था या लेना चाहता था मैंने कहा साहब से पूछूंगा मैं कि ये मैं कर सकता या अभी ले लीजिए एक साथ में अगर दो ट्रेड कर रहे हो तो कर लो अगर सेटअप पर आ रहा है ना तो कर लो सेटअप पर अगर आ रहा तो मुझे थोड़ा ना मैंने डर कम हो गया जैसे आपने बताया था तो मैंने कैपिटल ही कम कर दी नहीं, सीखने नहीं, के लिए मैं ट्रेड करता हूँ क्या कमाने के लिए तो कर नहीं रहा तो मैंने कहा साहब से पूछ लूंगा अगर वो कंफर्म करेंगे तो फिर मैं दो पैर ले लिया करूंगा मुझे तो ये है कि मेरी सक्सेसफुल होनी चाहिए पैसा कोई आए या ना आए तो दो करिए देखिए करने को तो जो प्रोफेशनली काम करते हैं उनके एक साथ में बीस बीस ट्रेड चल रहे होते हैं ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक समय में एक ही ट्रेड होगा एक ट्रेड इसलिए कि जिस स्टेज पर अभी हम लोग काम करने का प्रयास करें ना उसमें अगर एक ट्रेड ही चले तो वही बेहतर रहता है लेकिन अगर लग रहा है नहीं तो दो करने तो दो कर सकते हो आप इतना कोई हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है दो करिए लेकिन दो से ज्यादा मत करिएगा ठीक ठीक है सर सर ठीक है थैंक यू बहुत बढ़िया रोशन जी आपने दो ट्रेड्स किए हैं दोनों ही बेहतर है थैंक यू

सर मैं स्टॉक सिलेक्शन लाइव मार्केट में ही कर रहा हूँ मतलब निफ़्टी के स्टॉक ही चुन रहा हूँ तो उसपे एक एक स्टॉक चेक करता हूँ उसपे सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है उस हिसाब से ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो सेशन था ना अपना इसका स्टॉक सिलेक्शन का वो नहीं नहीं, नहीं मिस कर दिया मैंने मतलब नेटवर्क के इशू से तो वो हो नहीं पाया तो मैं आपके बताने से स्टॉक सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मतलब वो जो वीडियो का सीरीज भेजा था ना वो उस हिसाब से उसमें खाली स्टॉक कैसे सिलेक्ट करने का वही बताया उसके बाद बात का सेशन हुआ था शायद मेरे को ऐसा लगता है आपको कोई स्कैनर दिया हमने जी सर स्कैनर के लिंक दिए थे लेकिन वो ओपन कर रहा हूँ तो उसमें स्टॉक ही नहीं आ रहे कल हमें 12 बजे के बाद में फोन कीजिएगा ठीक है सर ठीक

रैमको पी के दो ट्रेड्स थे और रेमको में एक ट्रेड था तीन के थे तीन तीनों में आपके टारगेट मिले तो एस एल जीरो ही था और लास्ट वीक जो आपका था इसमें एक स्टॉप लॉस गया था टाटा स्टील का याद है या। चार ट्रेड से एक में चला गया था टाटा स्टील का और इस वीक देख रहे हैं तो इस वीक भी में तीन ट्रीट और टाटा स्टील का सर ये हो गया मतलब उसमें वॉल्यूम ही नहीं आया वो साइडवे हो गया पूरा उस याद है वो ट्रेड में याद है आपका टेक्निकली सही था लेकिन वो साइडवे हो गया तो उसमें स्टॉप लॉस चला गया था बढ़िया है रोहित बहुत अच्छी प्रोग्रेस है ये ट्रेड्स जितने भी करना है शेयर करते रहना अब उसको हम देख लेंगे जो आपने चार्ट में भेजे तो हम देख लेंगे जी सर, जी सर। ट्रेड्स सभी लोग और जो... सर लास्ट वीक हाँ बोलिए लास्ट वीक में जो लास्ट का ट्रेड किया था ना तो उसमें मतलब बढ़िया सेटअप दिख रहा था टाटा मोटर्स का तो उसमें वो सेटअप कम कम मिलेगा तो, मिलेगा, ज्यादा मैंने एक परसेंट का तो पूरा ले लिया मैंने उसके मैं बाद सही है सही किया एक नॉर्मल स्टॉक जो मूव कर रहा है जैसे उस दिन हमने जो बताया था नॉर्मली अगर कोई स्टॉक मूव कर लगे कि नहीं तो मूव हो गया बाद में लगे कि नहीं यार अब अब अभी ये हो रहा है मार दो एग्जिट ये सारी क्वांटिटीज निकालने से अच्छा है से अच्छा है आप क्वांटिटीज निकाल दो 20 को होल्ड करो लास्ट तक uh, तीन, uh, तीन स्टॉप गए uh, okay, कौन सा था ही? Uh, ये मदसन सुमी का था अलग अलग डेट्स में किए थे ट्रेड या एक ही डेट में नहीं, नहीं, अलग अलग में एक ट्यूसडे को किया था एक फ्राइडे को किया था मदर्स सुंग ये फॉलिंग रोज पर थे आ, ये मास्टर कैंडल पे थे okay. ये ट्रेड मत किया करिए स्टॉक मुझे समझ आ रहा <laughs> हमने कहा था ना दो हाँ बोलिए बोलिए जी दो दिन मास्टर कैंडल बना था एक अठारह को आप अगर देख रहे होंगे तो तो मैं वही लिया था और उसी को पॉइंट ऑफ एक्शन मान के वन थर्टी टू पॉइंट थ्री जीरो का है शायद उसमें हाँ अठारह का जो है अठारह तारीख का ऊपर हाँ mm. तो वन थर्टी टू पॉइंट थ्री ज़ीरो का उसका लिया था मैं हाँ ये ब्रेकआउट हुआ था इसका हाँ ये जब ब्रेकआउट दिखाया था तो mm. शायद और ये वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट था तो ये कुछ ज़्यादा ही मैं कॉन्फिडेंट हो गया कि चलो ये तो निकल भागा ओके okay. तो मैं ये मैं ये पूछना चाह रहा था सर ये जो वॉल्यूम ब्रेकआउट हो वो जस्ट उसके प्रीवियस वॉल्यूम के हिसाब से देख रहे हैं या हम जो मदर कैंडल जिससे हम आ, रेफरेंस ले रहे हैं उसके वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे कंपैरिजन करके प्रीवियस कैंडल के हिसाब से अच्छा एक चीज और उस दिन भी अपने बताई थी वह फिर से देखिए मान लीजिए हमें किसी भी स्टॉक को ट्रेड करना है अब जैसे कि मंडे को ट्रेड करना है तो मंडे से पहले के इसके दो तीन दिन के मूव्स चेक कर लो जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका मूव कितना है ना दो परसेंट का चलो ठीक है लेकिन ये भी दो परसेंट का मूव पता है है ये पूरा टाइप का मूव मतलब स्टॉक मॉर्निंग में ओपन हो रहा है एक हाई लगा रहा है और पूरे दिन उस हाई लो और हाई के अंदर ही घूम रहा है आप अगर नाइन फिफ्टीन का लो मार्क कर लोगे और ये वाली कैंडल देखो पूरा स्टॉक उसके अंदर ही पहले का मूव यहाँ पर क्या हुआ है ये नाइन फिफ्टीन का आपका हाई है और आप ये वाला स्विंग देख लो मांग करके देख लो ना पूरा स्टॉक उस रेंज के अंदर ही घूम रहा है उसके पहले का भी कुछ खास नहीं है लो हाई उस रेंज के अंदर ही घूम रहा है इस तरह से अगर आप एनालिसिस कर लोगे ना किसी भी स्टॉक की तो ये समझा आ जाएगा कि नहीं चांसेस सबसे ज्यादा भले ही कंफर्मेशन अच्छे हैं लेकिन अगर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो साइड होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे तो किसी भी स्टॉक को इस तरह से ट्रेड करने से पहले एक बार देख लो कि नॉर्मली मूव उसका कैसा क्या रहता है हम्म ज्यादा ऊंचा नहीं जाता अच्छा तो एक कुछ कहलाता है बीटा जिससे कि ये पता चलता है वो वलाटिलिटी किसी स्टॉक की ये कितना सिर्फ ज्यादा ओवर एनालिसिस में हमने इसको डाल दिया सब कुछ को अच्छा <laughs> ओके बीटा बीटा पहले हम खूब देखा करते थे अच्छा एकदम हाई बीटा स्टॉक आप उठा लो देखोगे वो भी मूव नहीं करेगा निफ्टी चली जाएगी एकदम अच्छा अच्छा ये सब चीजें हम खुद पढ़ते थे पढ़ाया भी हमने लेकिन बाद में देखा ये सब काम हम नहीं करते हैं हाय भाई बीटा एक स्टॉक को सही जगह पर पकड़ लो आप बस वही हाई बीटा स्टॉक बन जाएगा उस दिन का हम्म हम्म सो सर जैसे हो सकता है शायद ये आ...

गिरेगा तो गिरता रहेगा और साइड में पड़ा रहा तो इस तरह के मूव आते हैं इसके जी एनालिसिस दोनों स्टॉक्स की आपके सही टेक्निकली दोनों स्टॉक्स में आप सही हो लेकिन ये ये मूड 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 की बात है mood आएगा तो फिर इतना बड़ा एनालिसिस मूव दे देगा कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे मतलब कि थोड़ा चल गया एक परसेंट डेढ़ परसेंट ये तो और चल गया इतना चल गया, इतना चल गया। क्या करें निकल जाए ना ये बौखला जाओगे आप इतने इतने बड़े मूव दे देंगे और साइड रहेंगे तो फिर हो सकता है फिर जितना आपने प्रॉफिट किया सारा का सारा प्रॉफिट लेके चला जाएगा नहीं, नहीं, नहीं। वही स्टॉक उठाइए चार सौ पांच सौ रुपए के ऊपर जो स्टॉक मूव कर रहा आ, तो हो है है ठीक सर एनालिसिस करो पिछले हफ्ते आपके बारह ट्रेड थे जिसमें से छ एस गए थे इंडस्ट्रावर वगैरह आपने ट्रेड किया था और उससे पहले था इंडिया और सोना पॉलीकैप ये तीन स्टॉक्स थे अब तीनों हफ्ते में एक चीज ये कॉमन है कि सारे ज्यादातर कैश सेगमेंट्स के स्टॉक हैं थोड़े से एफ तक रहिए आप फ्यूचर सेगमेंट्स में जितने स्टॉक्स हैं ना उनको पकड़िए स्टेबलाइज जो रहते हैं थोड़ा सा टिके रहते हैं अपनी जगह पर और ठीक ठाक मूव दिखाते हैं ऐसा स्टॉक उठाइए ट्रेड करने से पहले दो तीन दिन पहले देख लो उसको कि स्टॉक ने मूव कितना क्या दिखाया है बेसिक नेचर के अगेंस्ट जाकर के किसी भी स्टॉक को ट्रेड करेंगे तो ज्यादातर हो सकता है वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग ही मूव करे

अ जिसमें से तीन के टारगेट हिट हुए और एक साइड एक साइड में हुआ हाँ और तीन के टारगेट हिट वेरी गुड स्टॉप लॉस जीरो है और चार किट चारों में आपका एसएल सेफ है जी सही है चारों ट्रेड्स को लेकर के कुछ डाउट नो no, सर वेरी गुड सर एक डाउट था हाँ बोलिए कि uh, हमने जो uh, एक uh, जिसके उनतीस तारीख को हुँ. मार्केट uh, थोड़ा बुलिस टाइप था मार्केट ऊपर जा रहा था जो स्टॉक थे अच्छा वो साइड जा रहा था उसमें हाँ। ट्रेड नहीं लिया क्यूँकी ट्रेड लेना बिल्कुल लेना था सर मतलब सारे स्टॉक और बैंक ऊपर जा रहे और ये नीचे जा रहा था इसलिए हमने नहीं लिया नहीं आपका सेटअप बन रहा है आपको सेल करना तो आप सेल कर दोगे दो सिस्टम ऑफ करो चुपचाप बैठ जाओ उसने टारगेट भी किया देखा इसीलिए हम बोल रहे हैं अगर आपका सिस्टम कह रहा है कि ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो करना है फिर किसी की नहीं सुननी है अगर आपका स्टॉक उसको अगर नीचे जाना है ना तो पूरी मार्केट फिर नीचे चली जाएगी आपका सेक्टर भी नीचे आ जाएगा पहले से ही ये आभास लगा लेना कि नहीं हम ट्रेड करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा ये गलत बात है फिर हो सकता है जिस दिन मार्केट नीचे भी जा रही हो और आपका स्टॉक भी नीचे जा रहा हो उस दिन भी आपको डर लगे ट्रेड करने से आप उस दिन भी ट्रेड नहीं करोगे तो ये फियर कोई नहीं है नेचुरल है सारी चीजें ठीक है ना प्रीतम ठीक है ठीक है बाकी अच्छा है अच्छा है आपका जो भी आप ट्रेड करना वो हमारे साथ शेयर करते रहना आप ठीक है ठीक है और कुछ भी अगर डाउट आता है तो कॉल कर लीजिएगा हमें ये सेशन ये रिकॉर्ड नहीं कर पाए कोई बात नहीं ठीक है सर जी सर तो या आज हमारी क्या लास्ट क्लास थी हाँ हां तो फ्यूचर में अच्छा अच्छा लास्ट क्लास थी तो फिर अच्छा ठीक है सर थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प और मैं बात करूंगा सर आपको क्योंकि मुझे आपके साथ हमेशा जुड़ के ही रहना है एक्चुअली सेपरेट तो नहीं होना है तो क्योंकि काफी सारी चीजें सीखने मिल रही है आपसे जो आज तक सीखा नहीं एक्चुअली तो अगर साथ में रहेंगे तो you know, <laughs> मिस्टेक कर, तो कर, कर रही उससे हमेशा साथ है क्लास ही खत्म हो रही ना आपस का जो कनेक्शन है वो नहीं टूटा वो हमेशा रहेगा आप नहीं छोड़ोगे तो हम छोड़ने वाले हैं नहीं हाँ तो ठीक है सर हम तो नहीं छोड़ेंगे हम तो नहीं छोड़ेंगे सर आपको ठीक है सर फिर हम बात करते हैं बाद में आपसे। तो, ठीक है, ओके। तो, थैंक यू सो मच सर वेलकम थैंक यू तो सभी लोगों से डिस्कशन कंप्लीट हो गया अपना काफी अच्छा सेशन रहा है मतलब तो तो शुरुआत से लेकर के लास्ट तक जितना भी हम लोगों ने हालांकि बहुत कह सकते हैं कि स्लो प्रोसेस में थे फिलहाल जो प्रोसेस में हम लोग थे और जो प्रोग्रेस अपना रेट था वो काफी बेहतर था एक एक फॉर्मेशन को देना फिर पूरे वीक उसकी प्रैक्टिस कराना फिर एक फॉर्मेशन को देना फिर उसकी प्रैक्टिस कराना बहुत पेशेंस के साथ में आप लोगों ने प्रैक्टिस की भी जिन्होंने नहीं की तो फिर वो नहीं की लेकिन जो लास्ट तक टिके रहे हैं तो उसके रिजल्ट आपके सामने हैं सोलह सोलह सत्रह सत्रह ट्रेड करने के बाद में पांच स्टॉप लॉसेस बाकी मैसेल सेफ रहना है ना या चार या पांच ट्रेड्स करने में एक का एस एल जाना बाकी चार में एस एल सेफ रहना ये पूरा इसका जो कह सकते हैं कि जिम्मेदार हो आप खुद ही हो आप ही की मेहनत है तो जो लास्ट तक टिका रहा है उसका रिजल्ट आपके सामने जो नहीं है तो फिर वो नहीं है सेटिस्फाइड हम बहुत सेटिस्फाइड हैं आप लोगों के जो काम से और जो जो बैच की प्रोग्रेस रही पूरी तरह से जो भी आप ट्रेड्स करोगे वो हमारे साथ शेयर करते रहना और बाकी क्लास के दौरान में कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं या कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें और मजबूत करने की जरूरत होती है तो जो भी कमियाँ रहेगी उसको हम डेफिनेटली आगे फ्यूचर में संभालने की और सुधारने की कोशिश करेंगे थैंक यू आप सभी लोगों को शुक्रिया और अपने चार्ट्स में बिल्कुल ऐसे ही आप शेयर करते रहोगे जैसे अभी तक आप शेयर करते थे